मसाला। मैगी तो सभी को आती है बनाने, पर आज मैं इसे अलग डिफरेंट तरीके से बनाने वाली हूँ, तो इसे आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो आइए देखते हैं मैगी मसाला बनाने के लिए मैंने मैगी लिया है, इस्तेमाल किया है एक मीडियम साइज़ की प्याज, एक कप मटर, एक कप मैंने शिमला मिर्च ली है, एक कप गाजर, आधा चम्मच मैंने रेड चिली फ्लेक्स लिया है, आधा चम्मच रेड चिली पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक आप अपने स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं, चार लहसुन की कलियाँ ली थी जिसे मैंने बारीक चॉप करके रखा है, एक यहाँ मैं मैगी मसाले का भी इस्तेमाल करूँगी, दो बड़े चम्मच मैं ऑयल पैन रखा है, ये अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें ऑयल ऐड करूँगी, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें लहसुन ऐड करूँगी, इसे हल्का सौते कर लेंगे। अब मैं इसमें प्याज ऐड करूंगी, इसे जैसे से मिक्स कर लेंगे और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। जैसे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड करूंगी, गाजर, मटर, इन सभी चीज़ों को अच्छे मिक्स कर लेंगे। इसमें नमक ऐड करूंगी ताकि जो हमारी सब्जियां हैं वो अच्छे से इसमें गल जाए। सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे ढक के 3 मिनट के रख दूंगी ताकि जो हमारी सब्जियां हैं वो अच्छे से गल जाए। 3 मिनट हो चुके हैं, आइए इसे चेक कर लेते हैं। हल्दी और लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे, इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसमें मैगी मसाला भी ऐड करूंगी, इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी। रेड चिली फ्लेक्स, अब मैं इसमें 1.5 गिलास पानी ऐड करूंगी। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसे ढक के एक बॉईल आने तक रख दूंगी। अब हम इसे चेक कर लेंगे, आप देख सकते हैं इसमें बॉईल आ चुका है। अब मैं इसमें मैगी ऐड कर दूंगी। इसे एक साइड से हम पकने देंगे, साइड से अच्छे से पक चुका है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। मैंने सभी को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स करके ढक के रख देंगे 2 मिनट के लिए स्लो आंच पे। 2 मिनट हो चुके हैं, आइए इसे चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं सारा पानी जो है अच्छी तरह से सूख चुका है। अब हम इसे सर्व कर लेंगे। देखिए बनके तैयार है हमारी गर्मा गर्म मैगी मसाला। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी ये रेसिपी आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।